यार एक्चुअली क्या है कि ये ना पूरा मस्त दो लेन था, अब ये मेट्रो की वजह से सिर्फ एक बचा हुआ है जिसमें ट्रैक्टर बुग्गी बस गाड़ी। तो गाइस तीन दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला यार, बहुत ही ज्यादा मजा आया। हम लोग आए थे थर्सडे को, आज है मंडे और अभी बज रहे हैं 11:15। वैसे तो हम लोग 11:30-12 बजे निकलते हैं और 2-2.5 घंटे में ना अपना दिल्ली पहुंच जाते हैं, बट आज हम लोग को नोएडा की तरफ से होते हुए जाना है, क्योंकि अगर आपने मेरा थर्सडे का व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो हमने थर्सडे को क्या किया था, एक मेहमान को उठाया था तो उनको वहीं पर ड्रॉप करना है, तो इसलिए, और बीच में शायद आज मंडे भी है तो जाम वगैरह रहेगा, तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा 1 घंटा पहले निकल रहे हैं ताकि अगर जाम में लग जाए तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि काम वाम करने हैं घर पहुंच के, तो वो चीज है। बाकी चलने का टाइम हो गया है तो चलते हैं, लेट्स गो। यार ट्राइपॉड मेरा टेढ़ा कैसे है भाई, वो तो सीधा ही नहीं हो पा रहा। चलो कोई नहीं, और यही अबे तू मत, एक यही एक शॉट है जब मैं अपने को पूरी गाड़ी के साथ ले सकता हूँ, क्योंकि जो गाड़ी के पीछे बैठते हैं वो भी मिठाई लेने गए हुए हैं, और अभी हम लोग को चले हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, तो हम लोग सिर्फ मिठाई के लिए रुके। जब मिठाई लेके मम्मी लोग आ जाएंगे फिर हम लोग दिल्ली के लिए चलेंगे। तो ये सबसे हार्ड पार्ट होता है कि भाई नाना जी और नानी लोग 6-7 महीने से वेट कर रहे थे, जो 3 दिन है बहुत ही प्यारे गए। उसके बाद जब बच्चे लोग जाते हैं ना तो भाई बहुत बात लगती है। अब हमारा क्या, अब हम लोग तो यार नॉर्मल रेगुलर रूटीन वगैरह है, काम वाम में बिजी हो जाएंगे, बट नाना नानी लोग यार मतलब घर पे वापस अकेले जा रहे हैं, उन दोनों को साथ में रहना है और वो सबसे हार्ड पार्ट होता है। तो बट ठीक है, लाइफ है, चलती रहेगी, तो यही सीन है। बाकी चलो चलते हैं, अब दिल्ली चलते हैं, मतलब अभी जब आ जाएंगी मम्मी लोग तब चलेंगे। गाइस यहाँ पे हमेशा मज़ा ही आ जाता है गाड़ी चला के। जो मेरठ बाईपास एक्सप्रेसवे है ना, बस यहाँ पे यही है जो मैंने आपको एपिसोड 1 में ही बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को केयरफुली होके चलाना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रक हैं और जो रिक्शा वगैरह है ना वो कहीं से भी आ जाते हैं। तो बस वो ये देखो अपना JCB रॉन्ग साइड आ रहा है, तो इनसे हमको थोड़ा सा बच के चलाना पड़ता है। बाकी तो जो रोड है और रास्ता एक नंबर है भाई, गन्ने ही चल रहे हैं यहाँ तो भाई, निकलने नहीं दे रहे। चलो इसने निकलने दिया है, पिछले वाले तो निकल, अरे भाई गन्ना आ रहा है भाई, राइट में लगा, अरे भाई फिर गन्ने, अच्छा गन्ना तो मुड़ गया, अबे जान ही नहीं दे रहे, बताओ बस वाले ऐसे कर रहे हैं, जाने दो यार, जाने तो दो यार। एक्चुअली क्या है कि ये ना पूरा मस्त 2 लेन था, अब ये मेट्रो की वजह से सिर्फ 1 बचा हुआ है जिसमें ट्रैक्टर बुग्गी बस गाड़ी। तो गाइस यहाँ से हम लोग यूटर्न लेके चले जाएंगे राजनगर एक्सटेंशन के लिए, फिर वहां से जाके अपना जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है वो आ जाएगा, जो कि फिर अक्षरधाम और दिल्ली के लिए। लेकिन क्योंकि थर्सडे को हमने एक सदस्य को उठाया था नोएडा से, मतलब लिया था, तो उनको छोड़ते हुए जाना है, तो इसलिए अगर हम लोग सीधा जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे ग्रेटर नोएडा। और ये अंकल क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, अंकल लेफ्ट बोल रहे हैं, चलो ठीक है, तो सीधा जाके हमारा आ जाएगा ग्रेटर नोएडा, वहां से नोएडा होते हुए सदस्य को छोड़ते हुए फिर वहां से हम लोग चल जाएंगे दिल्ली को, ठीक है। तो गाइस हम लोग यहाँ अभी D&D में और मेरे नीचे यमुना, बट यहाँ पे हम लोग उतरेंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार मैंने उतर के मस्त वीडियो बनाई थी। बाकी जो सदस्य को हमने नोएडा से लिया था उनको हमने वापस छोड़ दिया है और अब हम लोग चल रहे हैं अपनी घर की ओर। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस जय हिंद। I don't keep them.